जिस बैरक में है उनके साथ वाली बैरक्स में जो लोग ठहरे हुए हैं वो हैं तो मुल्जमों के कैदियों के रूप में, लेकिन जराए हमें ये बता रहे हैं कि वो कैदी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने इमरान खान साहब के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक खबर शेयर की है। उनका कहना है कि खान साहब अटक जेल के अंदर जिस बैरक में रहते हैं उस बैरक के करीब कुछ कैदी हजरात आए हैं और बज़ाहिर वो कैदी हैं लेकिन हैं वो कैदी नहीं बल्कि कुछ स्पेशल लोग नज़र आ रहे हैं, कुछ नामालूम लोग हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब की ज़िंदगी को खतरात लायक हैं। इसके अलावा खान साहब का जो सेल है वो उसके बाहर जो लोग खान साहब की हिफाजत पर मामूर है उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो खान साहब के करीब किसी को आने नहीं देते और उनका जो रवैया है वो भी खान साहब के साथ ठीक नहीं है। आपके साथ कुछ खबरें मैंने कल शेयर की थी कि खान साहब ने अपना जो मुकदमा है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में लड़ने का फैसला किया है। डाउटी स्ट्रीट है बरतानिया की लॉ फर्म, उनको उनके एक वकील जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया है। जेफरी रॉबर्टसन के हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने सलमान रुश्दी का जो केस है वो लड़ा था जिसके बाद पाकिस्तान में मौजूद कुछ अनासर हैं जो इस बात को तकवीत दे रहे हैं, मजहब काट खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें इमरान खान साहब ने एक ऐसे शख्स के वकील को हायर किया है जो कि गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख मज़हब है, तो इस वजह से वो लोगों के दिल में खान साहब के खिलाफ मजहबी जज्बात भड़काना चाहते हैं। और ये भी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही है कि अगर खान साहब जेल से आते हैं बाहर तो उनके खिलाफ खुदा न ख्वास्त एक और कातिलाना हमला मजहब की आड़ में हो सकता है और किसी मजहबी इंतहा पसंद या जुनूनी को खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर हमारी दुआएं कि इस तरह के वाक़यात कभी पेश ना आए क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के हालात इंतहाई ख़तरनाक हद तक ख़राब हो चुके हैं, माशी हालात और सब कुछ आपके सामने हैं, और अगर खुदा न ख्वास्ता इस तरह का कोई वाक़या पेश आते हैं तो हालात किसी भी ख़तरनाक सूरत हाल की तरफ जा सकते हैं। समी इब्राहिम साहब ने क्या कहा आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी और अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें। वो जिस बैरक में है उनके साथ वाली बैरक्स में जो लोग ठहरे हुए हैं वो हैं तो मुल्जमों के कैदियों के रूप में, लेकिन जराए हमें ये बता रहे हैं कि वो कैदी नहीं है। इमरान खान साहब का जो कमरा है, जो सेल है, उसके बाहर भी जो लोग हैं वो भी जेल के लोग नहीं है। ये इंतहाई जो जिम्मेदार सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वो जेल के लोग नहीं है, वो बाहर से आए हैं, कोई प्राइवेट हायरिंग है, किसी पोलिटिकल पार्टी के हैं, और किसी बंदे को वो नजदीक फटकने भी नहीं देते। उनका जो रवैया है खान साहब के साथ वो कोई अच्छा नहीं है।